चैनल इमाम असर दावते इंसानियत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मौज़े नाज़रीन, रमज़ान की ये बाबरकत महीने की बाबरकत वक्त और उसकी फिजाएं, उसकी हवाएं पूरी दुनिया में जहां जहां है, हैदर टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की ये 17वां रोज़ा पहुँच गया है और 17 रमज़ान गुजर गए। और जब रमज़ान आया था तो सबको ऐसे लगता था कि बहुत लंबा रहता है हमेशा की तरह, लेकिन जैसे ही 15 रमज़ान गुजरता है उसके बाद रमज़ान का जो काउंटडाउन है वो इतना तेज़ी से चलता है कि समझ में नहीं आता। जिस्म को आदत हो चुकी होती है, रूह को आदत हो चुकी होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाक जिस्म और पाक रूहों के साथ रमज़ान की दुआओं का जो कम्बिनेशन बनता है तो उससे यकीनन बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। और आपका आपको ये प्रोग्राम, ये जो नशरियात पूरे ऑस्ट्रेलिया से आप देख रहे हैं, ये हैदर टीवी की खास नशरियात इरफान रमज़ान के हवाले से पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं। और ये खास प्रोग्राम जो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से पेश किया जा रहा है वो है दरे हुसैन। मेरा प्रोग्राम दरे हुसैन, मेरी पहचान दरे हुसैन। और नाज़रीन, इस दरे हुसैन के पैगाम में मेरा साथ दे रहे हैं हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन मौलाना सैयद अब्दुल कासिम रिज़वी साहब, जो मेलबर्न से तशरीफ रखते हैं, लेकिन मेरी खुशकिस्मत ये कि वो सिडनी तशरीफ लाएं और मैंने उनसे सिडनी में भी कोशिश की और हमारे साथ मौजूद हैं। कल के प्रोग्राम में हमारी गुफ्तगू हुई और क़िबला ने बहुत सहल तरीके से ईस्टर और हज़रत ईसा के हवाले से बात की, तो वहाँ ही से एक नया नुक्ता मिला और हमने एक मौजू का इंतखाब किया। मौजू ये था कि शिफात, लफ्जी माने शिफात के क्या है, पहला सवाल ये होगा और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस सवाल को और खोलेंगे। तो क़िबला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु व रिदवानुहु। शुक्रिया के साथ प्रोग्राम के बाकायदा आगाज करते हैं। ये क़िबला, जैसे मैंने अभी कहा कि शिफायत के लफ्जी माने कहें, फिर उसके बाद बाकी गुफ्तगू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। लफ्ज शिफाहत शाफों से है, सही। अरबी में एक लफ्ज है वत्र या वित्र यानी एक, सही, शफ यानी दो। दो। आइए और आसान कर दें आपके लिए। सूरह फज्र के अंदर वल फज्र वलायाल इन अशर व शफ वल वत्र, कसम है फज्र की 10 रातों की, शफ की 2 की और 1 की। बात पहुंची और आसान कर दें। माह मुबारक रमजान में अक्सर लोग रात को जागते हैं और जागने के नतीजे में अक्सरियत की ये कोशिश भी होती है कि नमाज शब या नाफिले लैल या नमाज तहज्जुद, इसके मुख्तलिफ नाम हैं, इसे पढ़ें। 11 रकत है, 8 रकत दो दो रकत करके वो शब की पढ़ता है, फिर आखिरी 3 रकत रह जाती है। ऐसा ही है शोएब भाई? जी ऐसा ही। 2 रकत पढ़ता है जिसमें कुनूत नहीं होता, उस नमाज को कहते हैं शाफ़ यानी 2 रकत। शफा नहीं है, शफा नहीं है, शाफ़ 2 तो वाह। फिर उसके बाद 1 रकत पढ़ता है जो रूह है नमाज शब की। नमाज शब तमाम दिन भर की इबादतों की रूह है, सही। और नमाज शब की रूह नमाज वित्र है, सही। और नमाज वित्र की रूह उसका कुनूत है। तो वित्र यानी एक या वत्र। अब शफ समझ में आ गया? जी। तो होने के लिए एक का होना जरूरी है, सही। तवज्जो है? अगर एक नहीं होगा तो 2 नहीं होगा। तो शफाअत कहते हैं उस अकीदे को जो खुदा पर, रसूल पर, आखिरत पर, इमामत पर, अल्लाह की अदालत पर यकीन रखता है और परफॉर्म भी करता है, ईमान भी रखता है, अमल भी करता है, लेकिन कोताही हो जाती है तो फिर उसके बाद उस कमी को पूरा किया जाता है। इस उसी तरह से जैसे एक बच्चा स्कूल की क्लासेस भी अटेंड कर रहा है, होमवर्क भी कर रहा है, इम्तिहान में अपीयर भी हो रहा है, आंसर शीट के ऊपर आंसर लिख भी रहा है, इम्तिहान में 35 या 40 मार्क्स पासिंग थे, 30 लिए या 33 लिए, अब यहाँ टीचर को, इंस्टीट्यूशन को, बोर्ड ऑफ एजुकेशन को अख्तियार था इस बच्चे को मायूस न किया जाए, मेहनत की थी, कुछ नंबर बढ़ा दिए जाए, पास कर दिया जाए, लेकिन कितनी शराइत पूरी की तब पास किया गया। शफाअत 0 के ऊपर
नंबरों को बढ़ाने का नाम नहीं है, बल्कि जीरो पर नहीं, बल्कि कुछ नंबर हैं कमी रह गई उसको पूरा करना है, और जीरो के साथ प्लस करें या जीरो के साथ कितने भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें आंसर जीरो आएगा। लिहाजा अकीदा और अमल होना जरूरी है। बहुत शुक्रिया क़िबला, बहुत खूबसूरत आपने शफात के लफ्जी माने बताए, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें गुजर गई कि कुछ लोग पूरा का पूरा बेस इस वजह से रख लेते हैं कि चूंकि ये हमारी शफात की जिम्मेदारी ले ली है। तो अब पहला सवाल जो सबको पता है कि हमारी कुछ मिल्लत इस्लामिया के अलावा कुछ और मजाहिब है कि जिनमें शफात की का मतलब उन्होंने फॉरसेक ले लिया है कि जी हमारी सिन की जिम्मेदारियां हमारे प्रॉफिट ने ले ली हैं, तो हमें जब उन्होंने अपनी जान दी या कुर्बानी दी, तो वहां पर इस शफात को कैसे एप्लीकेबल करें? क्या वो नजरिया कहीं उनसे कहीं चूक हो रही है या उसको समझने में कि शफात को जिस तरह से वो समझ रहे हैं कैसे समझा जाए उसको, कि जहां पर ये समझा जाता है कि प्रॉफिट ने जो अपनी जान दी है वो मिल्लत पूरी मिल्लत की शफात के लिए दिया, चाहे वो कोई भी नंबर लाए कुछ भी यानी कोई भी चीजें ना करें लेकिन उनकी शफात हो जाएगी। इसमें बड़ा और कुछ लोग शिफात, शिफात ये कुरानी अकीदा है, पुरानी अकीदा है। जिस तरह तौहीद है ना, जिस तरह से रिसालत है, जिस तरह से अदालत है, जिस तरह से इमामत है, जिस तरह से कयामत है, उसी तरह से अकीदा शिफात भी है। सही, तो अकीदा लिया कहां से जाता है? ये तौहीद का अकीदा किससे लिया आपने? रसूल से लिया। रिसालत का अकीदा किससे लिया? रसूल से। ये जितने अकायद हैं रसूल से लिए। जब रसूल से अकायद लिए तो रसूल ने ऐसा तो नहीं किया ना कि आपको अकीदे दे दिए का फिर तुम आजाद हो, यू आर फ्री, अपने हिसाब से डिफाइन करो, इजाजत दी है? कहीं अकीदा देने के बाद रसूल ने डिफाइन किया तौहीद क्या है, रिसालत क्या है, अदालत क्या है, इमामत क्या है, कयामत क्या है, रजत क्या है, गैबत क्या है, सब रसूल ने डिफाइन किया। शिफात भी रसूल ने डिफाइन किया। अब रसूल ने डिफाइन की है कि भाई एक आदमी अमल करता है, अमल करने के बाद उससे अगर कोई कोताही हो जाती है तो फिर उसके बाद उस कोताही के अंदर नबी, इमाम, शहीद, आलिम ये शिफात करेंगे। अच्छा, अंबिया यानी रसूलुल्लाह तो शिफात करेंगे, पिछले अंबिया को भी हक शिफात है, सिद्दीकीन को हक शिफात है, अइमा को हक शिफात है, उलमा को हक शिफात है, शोहदा को हक शिफात है, बाज मोमिनीन को भी हक शिफात है। सुभान अल्लाह, एक सुभान मोमिन अल्लाह। दूसरे मोमिन की शिफात करेगा, अल्लाह अकबर। और फिर उसके बाद जब एक दूसरे के साथ अपनी ब्रदरहुड अखुवत कायम करे ना, तो उससे कहें कि तुम जन्नत में उस वक्त तक न जाना जब तक कि तुम मेरी शिफात ना कर लो, मुझे भी लेके जाना। सरकार इतना ही नहीं है, मोमिन के बच्चे शिफात करेंगे। औलादे फातिमा पे एतराज कर रहे थे कि वो कैसे शिफात करेगी, उनका तो बड़ा मकाम है। और जिसकी फातिमा शिफात न करे ना, उसकी तमाम अंबिया भी शिफात करें तो नहीं हो सकती। ये भी रसूल वाह की वाह हदीस है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तमाम अंबिया मलक के मुकर्रम मिलकर अगर फातिमा नाराज होगी शिफात नहीं होगी। पता चला शिफात के लिए भी महवर जनाबे सैयदा की जाते हैं। मैंने कहा मोमिन का बच्चा शिफात, पता है बड़ी अजीब गरीब ईमान अफरोज हदीस है। उन माँ बाप के लिए कि जो अपने बचपन में अपने बच्चों को खो देते हैं ना, आजमाइश होती, उनके जख्म का क्या मरहम ही है। रिवायत में कि जिन लोगों के बच्चे बचपन में मर जाते हैं ना, स्टिल बॉर्न बेबी, वो भी शिफात। मिसकैरेज हो गया, का ये बच्चे जो है ना पहला पहल शिफात से पहले मरने में देखे, कहीं की परवरिश इब्राहिम के हाथों में होती है, जनाबे सैयदा निगरानी करती इन बच्चों की। और बताओ यार, जिसकी निगरानी फातिमा करें और इब्राहिम करें, वो बच्चे उस मंजिल के अंदर क्या उनका अकीदा पल रहा होगा, क्या दीन मिल रहा होगा, जिनकी तरबियत रसूल की बेटी करे, क्या कयामत का दिन होगा, इन बच्चों से कहा जाएगा जन्नत में जाओ, बच्चे कहेंगे मिल जाए, क्या तुमने कोई गुनाह नहीं किया है, तुम जन्नत में चले जाओ, कहेंगे परवरदिगारा। रुक देता है बंदा इस रिवायत के जुमले को नकल करते हुए,
उस वक्त भी कैफियत यही होगी जब वो बच्चे नहीं पढ़े, कब परवरदिगार हमें जब दुनिया में भेजा तो हमारे माँ बाप से तूने अलग कर दिया, हमने पूरा अरसा अपने माँ बाप के बगैर गुजारा, अब क्या आखिरत में भी अपने माँ बाप के बगैर? हम उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक कि हमारे माँ बाप न चले जाए, सही, तो आवाज आएगी हमने इसके माँ बाप को माफ कर दिया, वाह, तो बच्चे भी शिफात करेंगे। लेकिन फिर उलमा और शहीद भी शिफात करेंगे, इस पे भी बात होगी। लेकिन एक जुमला जो आपके सवाल से मिलता हुआ, मतलब जवाब देते हुए फिर अगला सवाल आएगा, क्या शिफात गुनाहों की आजादी के लिए, वाह, फ्रीडम के लिए? हजरत ईसा के लिए ये ईसाइयों का एक अकीदा था, ईसा ने जान इसलिए दी ताकि गुनहगारों की शिफात करें, गुनहगारों की शिफात करना और है, गुनाह की आजादी देना और है। वाह 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 ईसा की वाह, वाह। कीमती जान इसलिए नहीं दी गई है, इमाम हुसैन की शहादत इसलिए नहीं है, इन अइमा ने दीन को बचाया है, दीन के लिए कुर्बानियां दी हैं, और इनको खुदा ने इसके नतीजे में ये अख्तियार दिया है, मुल्क अजीम दिया है, मकाम महमूद दिया है, क्यों शिफात? लेकिन शिफात करने का मतलब कतई तौर पे ये नहीं है कि हमें गुनाहों की आजादी। रसूलुल्लाह की हदीस है, इद्दखल तो शफात ही लिया कबायर, मैंने अपनी शिफात को जखीरा कर लिया है अपनी उम्मत के उन लोगों के लिए कि जिनसे गुनाहे कबीरा हो गए हैं। अब गुनाहे कबीरा हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तमाम लोगों को रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी है। आइए मैं उसका इसकी दलील देता चलूं। एक और हदीस, या रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अशफात ला तकून ले अहली शक के वशिर्क, शफात मतलब शफात होगी, शक नहीं कीजिएगा। वाह, रसूलुल्लाह कहते हैं जो शक करता उसके लिए शफात नहीं है, जो शिर्क उसके बाद आया तो जो शिर्क करता उसके लिए भी शफात नहीं है, वला अले अहले कुफ्र, जो कुफ्र अख्तियार करता उसके लिए भी नहीं है, वर जो ऊ जो इनकार करता है मकाम पैगंबर और मकाम अहले बैत और शहदा और सिद्दीकीन और उलमा का, उसके लिए भी शिफात नहीं, बल यकून लिलमुमिनीन, शिफात इन चार के लिए नहीं, फिर किसके लिए? मोमिन के लिए, मिन अहले तौहीद, उन मोमिन के लिए जो तौहीद के मानने वाले, तौहीद का अकीदा रखने वाले। तो बहरहाल शिफात गुनाहों की आजादी का नाम नहीं है, इंसान से कोई कमी रह जाए तो उसकी तलाफी का नाम है, मदद का नाम है, और यह मकाम महमूद खुदा ने नबी को और अहले बैत को अदा किया है। सही 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 कबला। अब कबला एक सवाल जो अभी आया है हमारे नाज़रीन की तरफ से, वो ये है कि अगर कोई शख्स है जिसके नंबर पूरे हैं, ठीक है ना, और एक शख्स है जिसके नंबर जैसे आपने कहा 33 हैं, 35 पासिंग मार्क्स हैं, शिफात उसको हेल्प करेगी वो, तो क्या जो अपनी मेरिट पर आया है ये जन्नत में, ऐसा समझ लें, तो वो और उसका जो मंजिलत है जिसको शिफात दी, वो दोनों बराबर होंगे, या शिफात का फायदा इसको भी होगा, इस यानी जो पूरे लेके आया उसके बावजूद भी उसका यकीन है और उम्मीद है कि शिफात होती है और शिफात मेरी भी मदद करेगी ये सोच के, तो क्या उसको भी उसका फायदा होगा या नहीं होगा? देखें बाज रिवायत तो बताती हैं कि कोई भी इंसान अपने अमल पे जा ही नहीं पाएगा जन्नत, वाह वाह, तो जब कोई अपने अमल पे जन्नत में जा ही नहीं पाएगा तो दूसरों से तकाबुल किस बात का, वाह वाह वाह, तकाबुल किस बात का, नो कंपैरिजन, इसलिए क्योंकि सिर्फ उसकी दी हुई सांसों का शुक्रिया नहीं अदा कर सकता तो दीगर नेमतों का कहां शुक्र। कोई भी जन्नत में इस्तेखाक पर नहीं जाएगा, करम पे जाएगा। वाह एक जुमला सुने, कोई भी डिजर्व होके एंटाइटल होके नहीं जाएगा जन्नत में, क्या बात, या करम खुदा से जाएगा या शफाते मोहम्मद वाले मोहम्मद से जाएगा। वाह 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 रब वाह आमिलना वाह, बेफजल। अब यहां पर फिर क्या, जाहिर सी बात है अब अगर इसके अमल में कमी थी तो उसका दर्जा बढ़ा दिया गया, तो जो इसके मुकाबले में उसका डिवीजन अच्छा था, उसकी मेरिट थी, तो जैसे बात उसे भी बढ़ाएंगे।
कुरान भी शिफा, अच्छा कुरान भी शिफात करेगा, मस्जिद भी शिफात करेगी, तो मुख्तलिफ शिफातें हैं उस दिन के लिए, अल्लाह की तरफ से बड़ा करम है मोमिन के ऊपर। आपने अभी पहले पिछले जवाब में मेंशन किया मकाम महमूद, कि ये वहां पर मकाम महमूद पर है, तो जो मकाम महमूद पर है उनको शिफात का है, तो ये चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए और जिसके लिए हम दुआ भी करते हैं, और के मकाम में अल्लाह ताला उनको मकाम महमूद पर पहुंचा दे। ये जो दुआ है क्या ये सही है कि हमारी दुआ से कोई मकाम महमूद पर पहुंचेगा, नंबर एक, दूसरा मकाम महमूद है क्या? कुरान मजीद में खुदा बंदे ताला ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरे बनी इसराइल के अंदर जहाँ हुक्म दिया नमाज शब का, आयत का नंबर 79 है कि वमिन अल्लैल फतहज्जद भी, रात के एक जुज में हिस्से में आप नमाज शब तहज्जुद पढ़िए, नाफिला पढ़िए, असा अय्यब असा का रब का मकाम महमूदा, ताकि आपका परवरदिगार आपको मकाम महमूद दे। ये मकाम महमूद अबुल कासिम और शुएब की दुआओं से नहीं मिला रसूल को, ये मकाम महमूद पैगंबर खत्मी मर्तबत की नमाज शब का नतीजा है, वाह वाह, समझे आप। तो अब हम रसूल के लिए मकाम महमूद की क्या दुआ करेंगे, जिसे खुदा खुद मकाम महमूद दे चुका हो, जिसे रहमतुल लिल आलमीन बना चुका, जिसे शाफे महशर बना चुका, जिसे बशीरो नजीरो ताहा मुजम्मिलो मुद्दसिर बना चुका। ये तो हमको जो दुरूद का हुक्म दिया उसमें फायदा हमारा है, तो हम एक भेजो 10 वो भेजेंगे। तो मकाम महमूद जो है रसूलुल्लाह के लिए, यानी महमूद के माने जिसकी तारीफ की गई हो, अजीब चीज है, इलाही बेहक मोहम्मद मंतल महमूद, अल्लाह के नामों में से बिल्कुल एक नाम है महमूद, सही, उसमें से मुश्तक है, डिराइव किया गया रसूल का नाम, लेकिन जिस जो मोहम्मद है नाम से रोज कयामत लोगों की शिफात करके मकाम महमूद पर होगा मेरा नबी। और ये शिफात के ताल्लुक से एक और हदीस भी सुनते चले, कितनी अहम तरीन शह इस मकाम के ताल्लुक से, छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारा शिया नहीं है जो इन तीन बातों का यकीन न रखता, ईमान न रखता हो, रसूल की मेराज जिस्मानी, मानना है कि वाह रसूल को फिजिकल मेराज हुई है, मानना है आपको कि कब्र में सवाल होगा, मानना है कि हम शिफात करेंगे, ये वाह मकामे वाह महमूद को आपको मानना है। वाह वाह वाह, सही सही सही। अब इसमें कबला, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो दुआ है वो अगर हम भी मकाम महमूद के लिए कर रहे हैं तो वो उसका मकसद ये नहीं है कि हमारी दुआओं से वो मकाम महमूद पर पहुंचे, किसी को अगर गलतफहमी है तो। ये वो मकाम महमूद तक नहीं पहुंचेंगे, उस मकाम महमूद का जो दरिया है, जो किनारा है, जो समंदर है, जो मंजिल है, जो उसके करीब हम पहुंच जाएंगे, हमारी रसाई होगी। ये समझने की एक भीड़ है, एक भीड़ के अंदर एक जो हेड ऑफ द स्टेट आया हुआ है और उसके बाद लोग उससे मिलना चाहते हैं, उस भीड़ में हमारी ये कोशिश रसूल तक पहुंचने की है, ये दुरूद हमको वहां पहुंचा रहा है, ये मकाम महमूद की दुआ हमें वहां तक पहुंचा रही है, वो जिस मकाम पर है वहां तक पहुंचने के लिए हमारी एक कोशिश है। सही सही सही। अब आपने आखिर बिल्कुल आखिरी सवाल के इस हवाले से कि आपने कहा वो ये सब मकाम महमूद पर है, तो एक सवाल उठता है कि कौन कौन मकाम महमूद पर है? आयत इब्तदाई तौर पे तो रसूलुल्लाह के लिए है, सही सही आयत सही इब्तदाई तौर पे रसूलुल्लाह के लिए है। ठीक है, कुछ देर रुक गया मैं, आयत 79 सूरह बनी इसराइल, रुक गया हूं मैं, सही आगे बढ़ा मैं, वाह 16 सूरह और आगे चला गया मैं, सूरह का नंबर 33 है, सूरह अहज़ाब आयत का नंबर 56 है, इन अल्लाह व मलाइकतु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लमू तस्लीमा, बेशक अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते नबी पर दुरूद और सलाम भेजते हैं, ईमान वालों तुम भी वाह भेजो। तो हुक्म तो रसूलुल्लाह के लिए, यहाँ पे भी लोगों ने पूछा रसूलुल्लाह कैसे पढ़े, एक साहब ने पढ़ा भी रसूलुल्लाह के सामने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, रसूल ने कहा ला तुसल्ली अला सलात अलैहि सलातिल बतरा, मुझ पर अधूरी सलावात ना पढ़ो, कहा फिर किस तरह पढ़े, कहा आले मोहम्मद के साथ पढ़ो। तो दुरूद में भी हुक्म हुआ था नबी के लिए, लेकिन आले मोहम्मद को शामिल सुभान रखा, अल्लाह मकाम सुभान महमूद कह रहा रसूल के लिए, अल्लाह लेकिन इस मकाम सुभान महमूद में रसूलुल्लाह के साथ अहले बैत अल्लाह रिसालत शामिल है।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क़िबला बहुत और बहुत क्यों शुक्रिया। करना शामिल हो, जब आलिम शिफात करेगा, जब शहीद शिफात करेगा, क्या बात, जब मोमिन शिफात करेगा, कुरान शिफात ये क्यों कराएगा, करना करें। सच्ची शिफात अब कराएगा। रवायत के जुमले के कयामत के दिन आलिम भी आएगा, शहीद भी आएगा, तो बाद तो शोधा खड़े होंगे, बाद शोधा चले जाएंगे, सही सही लेकिन सही आलिम को रोका जाएगा, कर रुको तुम शिफात करो। सही और कहते हैं बाज मोमिन 40-40 लोगों की शिफात करेंगे। सही अब सही आलिम और शहीद नहीं, बाज मोमिन मोमिन 40 लोगों की शिफात करेंगे। एक और बात सुनते चलिए शेख भाई, 18 जिलहज, योम गदीर, वाह जी अमाल है, दुआएं है ना। जी उस दिन एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई बनता है, दुआ पढ़ी जाती है, अकदे मुआखात, हाथ पे हाथ रखा, कहा से तू मेरा भाई मैं तेरा भाई, दुआ के फिक्रे। फिर उसके बाद क्या, मैं देखो मैंने मुसाफा कर लिया है, मैं तेरा भाई हो चुका हूं, तू मेरा भाई हो चुका, मेरी गर्दन पे जो तेरी मेरी तेरी गर्दन पे जो मेरे हकूक थे मैंने सारे उठा लिए। वाह वाह एक मोमिन के दूसरे मोमिन के ऊपर 72 हक हैं, छठे इमाम ने फरमाया 72 हक हैं, कहा के सारे हक उठा लिए, 3 हक बाकी रखे। तो कौन से 3 हक, का एक हक दुआ, जियारत और शिफात। जब वाह भी दुआ करना मुझे याद रखना, जब जियारत पे जाना तो नियाबत में नायब जियारा बन जाना, जब कयामत के दिन तू जन्नत में जाने लगे तो अकेले ना जाना, मेरी शिफात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कबीला बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम हमेशा वक्त से थोड़ा सा आगे चला जाता है, लेकिन चूंकि मौजू जब तक मुकम्मल ना हो गुफ्तगू मज़ा नहीं आता। कबीला की खूबी यह है कि उन्होंने शफात को आसान करके समझाया, और हमारी कोशिश ये रहती है कि हम चीज़ें सबक बार बार याद करें ताकि सबक भूलने के चांसेस कम हो। जमाना बहुत मसरूफ हो चुका है, वक्त तेजी से गुजर रहा है, इन सारी चीज़ों के पास शायद लोग सोचते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है, इसका वक्त नहीं है, लेकिन इनको वक्त ही बताएगा कि इस किस चीज़ की ज़रूरत थी। और हम या हैदर टीवी या किबला बैठ के अपनी मिल्लत के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए क्यों फिक्रमंद थे और क्यों ये कोशिश करते थे। अपना अपने पड़ोसियों की आप बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी 18 रमजान के प्रोग्राम में। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए यहाँ से, और किबला को सिग्नेचर इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़।